और यहाँ पर जो मोस्टली इन पहाड़ों में जो चूहे हैं वो जैसे रैबिट नहीं होता, इस टाइप के चूहे हैं बड़े बड़े। दोस्तों ये बाबा तुंगनाथ। आपके मैंने पहले भी वीडियोस देखी हैं दो तीन, तो मुझे थोड़ा उसी से ही लगा, आपने जब दिखाया ना पहले भी शायद एक बार वो दिया था रिपीट। मैं इसको पूरी गर्मी में भी दिखा चुका हूँ। हाँ जी, और पूरी ठंड में जब ये यहाँ पर ये तो बाबा बर्फ, जब बर्फ पड़ी हुई थी पूरी, अच्छा मंदिर के ताले से भी ऊपर बर्फ थी, तो शायद बर्फ पड़ी थी पूरी बर्फ थी। आपने के लिए तो रिकॉर्ड अभी मैं आया था रिसेंटली, फरवरी में बाबा दिखा रहा था तो भी तीन यहाँ चार चार साढ़े चार से पाँच फुट तब भी मैं आया था। तो मैं टीओ में लिखेंगे तो फर्स्ट ट्रेंडिंग। हेलो, ये मेरे हस्बैंड है, इनको दिखाई थी आपकी कैसे। जय बाबा की जय, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। रिसेंटली मैंने 6 महीने स्टार्ट करा था, तो 6 महीने में मेरा का नाम तो आप लोगों को अच्छा प्यार मिला है। नंदी बाबा, ये मेरे घर का गणेश है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, थोड़ा गुस्से वाला भी है तो इसका गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कराना। जय बाबा तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ। तो दोस्तों फाइनली हम तुंगनाथ की 4 किलोमीटर की टफ चढ़ाई कर करके ऊपर बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही पल में बाबा हमारे सामने होंगे, या ये कहो कि हम बाबा के चरणों में होंगे। तो यहाँ से लिया हमने प्रसाद और चलते हैं, और प्रसाद हम इस यहाँ से चढ़वाएंगे, ऋतिक के यहाँ से चढ़वाएंगे। आगे ठीक है, आओ लो सर, पूजा की थाली लो, आपसे चढ़वाएंगे। तुम्हारा ऋतिक आता हुआ। जय बाबा की जय। बाबा की बंदा थका हुआ है, सच में थका हुआ है, बता नहीं रहा लेकिन सच में थका हुआ। आते नहीं ना, सारी बात है कि जॉब करता है तो सिस्टम पे बैठा रहता है, रनिंग एक्टिविटी का कोई काम नहीं है, कहीं जाना है तो बाइक से जाना है, तो ये है। इसलिए बोलता हूँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए आप ऊपर, इधर से ही है। तो दोस्तों यहाँ की बात है चंद्रशिला, अगर आप आते हैं तो चंद्रशिला भी ज़रूर जाएं। मैं बोलता हूँ जो तुंगनाथ आते हैं उन लोगों को चंद्रशिला भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं आते कुछ बंदे, हम जैसे पागल हैं जो साल में 3 बार आते हैं, बाकी कम लोग होते हैं जो सिर्फ तुंगनाथ तक आते हैं तो चले जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर आप तुंगनाथ आएँ तो चंद्रशिला भी ज़रूर जाएँ, कुल 1 किलोमीटर का सफ़र है और एक अच्छा प्लेस है, तो कोशिश करें आप लोग चंद्रशिला भी ज़रूर जाएँ। चलिए चल चलिए चलिए, तो पहुँच गए हम। आज मैं ऊपर आसमान नीचे गाना गाओ वही फिट होता है यहाँ पर। देखिए ऐसे लोग ही जिंदा दिली जिंदगी को जीते हैं, मेरा मानना है जिंदगी ऐसे ही जी जाती है। तो मैं जैसे बार बार दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पंच केदार दर्शन, केदारनाथ, मध्वेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। मेरा सिर्फ ये कल्पेश्वर बचा हुआ है, यहाँ हर बार रह जाता, अदरवाइज मेरे सारे उठ चुके हैं। जय बाबा की। मेरा ऋतिक आई थिंक अंदर, कहाँ मैं सूज निकालता हूँ यहीं पर, कहाँ रह गया ऋतिक? ऋतिक किधर गया? ऋतिक, अरे हमारा तो बंदा ही गायब हो गया। लेकिन माता जी आ चुकी हैं और कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं माता जी? नहीं कोई परेशानी नहीं, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छे से पहुंच गए, बहुत अच्छे से पहुंचे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, क्राउड कुछ नहीं है, आराम से खुले दर्शन। ये भी तेरे को ही दूंगा, तुझे ही दूंगा यार, झपट्टा क्यों मार रहा। यहाँ पर तो दोस्तों अभी यहाँ पर थोड़े से पूजा कपाट बंद है, यानी कि वो आरती चल रही है इस टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको दर्शन करने में, आप तब तक वैसे दर्शन कर सकते हैं, और इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रसाद चढ़ने में। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो देखिए इधर रुके हुए हैं यहाँ पर, सदा
चतुरानंद पंचानंद राजी पंचानंद ओम जय हरि हरि सब बैठे रहते सब भैया तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आरती पूरी हो गई है और अब दर्शन चालू होंगे, प्रसाद चढ़ेगा पब्लिक का यहाँ पर सभी का। एक छोटू कैसा है बेटा, अच्छे से आया? पैदल आया या खच्चर पे आया? पैदल आया। तो यहाँ आरती हो चुकी है और अभी 2 बजे दोबारा से यहाँ पर कपाट खुलेंगे मंदिर के, बाबा तुंगनाथ के 2 बजे। तो आपका आधा घंटा है, अभी आधा घंटा हम लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा उसके बाद। तो ये वेट करने से मतलब ये है कि ये सौभाग्य है कि हमें आधा घंटा और बाबा के दरबार में रहने को मिलेगा। तो इसको हम अपना ये नहीं कह सकते कि यार अभी आधा घंटा रुकेगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर आधा घंटा हम रुकते हैं तो यही बात है कि हम आधा घंटा और बाबा के दरबार में ज़्यादा रुकेंगे। तो मैं तो खुशनसीब मानता हूँ कि चलो हम आधा घंटा और ज़्यादा रुकेंगे। भाई ठीक कर दिया, चलो तो आओ। नंदी बाबा के कान में सारी दुनिया कहती है, आज हम भी कहते हैं कुछ। आधा घंटा 2 बजे खुलता है, 1:30 बज चुका है। आपके मैंने पहले भी वीडियोस देखी हैं दो तीन, मुझे थोड़ा उसी से ही लगा, आपने जब दिखाया ना पहले भी शायद एक बार वो किया था रिपीट। मैं इसको पूरी गर्मी में भी दिखा चुका हूँ। हाँ जी, और पूरी ठंड में जब ये यहाँ पर बर्फ, जब बर्फ पड़ी हुई थी पूरी, मंदिर के ताले से भी ऊपर बर्फ थी, तो शायद बर्फ पड़ी थी पूरी बर्फ थी। आपने इनके लिए तो रिकॉर्ड अभी मैं आया था रिसेंटली, फरवरी में दिखा रहा था, तो अभी 3 यहाँ 4-4 4-5 फुट तब भी मैं आया था तो ये ताले तक बर्फ ढका हुआ था पूरा मंदिर। राकेश तोमर भुमक्कड़ भैया को कवर कर लेना YouTube में। आप लोग कहाँ से? हम गुजरात से। गुजरात से? सूरत से। तो भैया गुजरात से हैं, भैया अपना नाम और प्लीज। श्रेयस पटेल। श्रेयस पटेल, ये तो ये हैं पटेल सर, ये गुजरात से हैं। तो जैसे रास्ते में हम लोग मिले, आपको महाराष्ट्र के भी मिले, आपको असम के भी मिले, यानी कि पूरी स्टेट जितने गुजरात के बॉम्बे के रहते हैं बंदे। तो भैया पटेल सर हैं गुजरात से। राकेश तोमर, तोमर में TOMR लिखेंगे तो फर्स्ट ट्रेंडिंग में। हेलो, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको दिखाई थी आपकी कैसे। जय बाबा की जय। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। रिसेंटली मैंने 6 महीने स्टार्ट करा था, तो 6 महीने में मेरा का नाम तो आप लोगों को अच्छा प्यार मिला। कहाँ लगा है ये चावल? किस बात के? सर तो गाइस ऋतिक को इतने में पूरा मंदिर दिखा देता हूँ।
क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है और ये मंदिर, और अभी मैं आपको बात करता हूँ। देखिए ये है बाबा का आशीर्वाद, चलो चलो। हाँ हाँ पूरा घूम लो ना, पूरा है ये। यहाँ पर भी नंदी बाबा, अगर आप कुछ मांगना चाहें तो बोल, जैसे सभी लोग बोलते हैं तो श्रद्धा है, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक नेचुरल ब्यूटी, देखिए कितनी गजब सुंदरता है यहाँ पर। इसलिए मेरा बार बार यहीं आने को करता हूँ, मैं किसी और धाम पर इतना नहीं जाता जितना यहाँ तुंगनाथ पर आता हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है तुंगनाथ बाबा का ये प्लेस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी बाबा। चलो जी, इतने दरबार खुलता तो इतने हम लोग यही काम कर लेते हैं। तो नंदी बाबा ये मेरे घर का गणेश है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, थोड़ा गुस्से वाला भी है तो इसका गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कराना। इधर का मैं दिखाऊं आपको, छोटे छोटे से मंदिर हैं, और यहीं पर रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर वो सिंह साहब सिंह बना हुआ ना, शेर बना हुआ मंदिर में, यहाँ पर मूसक थे, बड़े बड़े मूसक थे। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो बहुत बड़े बड़े मूसक थे यहाँ पर, यानी कि चूहे थे, ऐसे चूहे मैंने पहली बार देखे हैं। और यहाँ पर जो मोस्टली इन पहाड़ों में जो चूहे हैं वो जैसे रैबिट नहीं होता, इस टाइप के चूहे हैं बड़े बड़े। और तो यहाँ देख सकते हैं आप अलग अलग भगवान, इनको मैं दिखाऊं, सभी भगवान रिलेटेड हैं, तो सब में सिबलिंग है, तो भगवान शिव से रिलेटेड हैं सारे। और यहीं पर बैठकर आप ध्यान लगा सकते हैं, यहाँ बैठकर के आप ध्यान लगा सकते हैं अपना, ध्यान मुक्त होना। और दोस्तों ये बाबा तुंगनाथ, नीचे दिखाई दे रहा कान की तरफ है।